हाय मित्रों, मैं हूं सुरजीत। आप लोगों को हमारा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में आप लोगों को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी दो पॉइंट का बीच में जो दूरी होता है डिस्टेंस फॉर्मूला और कोई सा भी एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज का जो एरिया होता है क्षेत्रफल या खाली होता है ये मेजरमेंट करने के लिए जो फॉर्मूला आया है ये सबका डेरिवेशन किस तरह होता है उसका बारे में पूरा डिटेल्स और विस्तारित रूप में बताऊँगा। यानी कि दोस्तों, कार्टेशियन स्थानांक प्रणाली में पद्धति में कोई सा भी दो पॉइंट का बीच में जो डिस्टेंस है जो दूरी है ये मेजरमेंट करने के लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला किस तरह आता है, किस तरह डिराइव किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। और उसके साथ साथ कोई सा भी एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज का एरिया या क्षेत्रफल मतलब खाली निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला किस तरह आता है ये पूरा आप लोगों को डेरिवेशन करके हर प्रोसेस पूरा अच्छा से बताऊंगा। जैसे दोस्तों, सबसे पहले बता देता हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। दोस्तों, कोई से भी एक टू डायमेंशनल प्लेन को, जैसे ये एक टू डायमेंशनल प्लेन है, इस प्लेन को अगर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से मतलब दो लंबा के मतलब दोनों में अगर दो लाइन खुद से खुद में अगर लंब है और उस तरह कोई एक एरिया को चार्ट पार्टीशन करता है तो उसको चार क्वाड्रेंट बोलता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब एक एक पाथ बोला जाता है इसको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो एक्सिस होता है, एक होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दोस्तों, यहाँ पर सपोज मान लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई टू पॉइंट है P1 और P2। दोस्तों, P1 का जो कोऑर्डिनेट है ये है X1 Y1 और P2 जो है इसका कोऑर्डिनेट है X2 Y2। तो आपको अगर बोला गया है कि P1 P2 = what, मतलब P1 और P2 का बीच में दूरी कितना है, जहाँ पर दोस्तों P1 का कोऑर्डिनेट है X1 Y1 और P2 का कोऑर्डिनेट है X2 Y2। दोस्तों, आप डायग्राम को अच्छा से देख लीजिए। मैं ये डायग्राम पूरा बड़ा करके ड्रॉ किया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। दोस्तों, ये फिगर देख के, डायग्राम देख के आप लोग पूरा अच्छा से समझ लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है। दोस्तों, स्थानांक ज्योमेट्री यानी कि स्थानांक ज्यामिति मतलब कोई सा भी एक स्थान का यानी कि जगह का कोई नाम नहीं होता है, वो अंक देके सूचित किया जाता है। तो ये अंक, पहला अंक होता है एक्स का और दूसरा अंक होता है वाई का, मतलब दो एक्सिस में यहाँ पर इस प्लेन को डिवाइड किया गया है। इसीलिए पहला होता है एक्स एक्सिस का वैल्यू और दूसरा होता है वाई एक्सिस का वैल्यू। इसीलिए पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम PXY की तरफ लिखा जाता है। अब दोस्तों, हर पॉइंट का यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम आप देख सकते हैं और उसके बाद ये सब मैं जिस तरह ड्रॉ किया, टू परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया P1 और P2 से एक्स एक्सिस के ऊपर। उसके बाद दोस्तों, ये सब सारा फॉर्मूला जाके दोस्तों यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, एक समकोणी त्रिभुज बनाया P1 S P2। तो यहाँ पर दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरियन प्रमेय जो है ये यूज़ करके, मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है दोस्तों, कोई सा भी एक समकोणी त्रिभुज में यानी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो राइट एंगल ट्राइंगल हो रहा है P1 S P2, क्योंकि दोस्तों P1 S ये जो है P2 R का ऊपर परपेंडिकुलर है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, SP1 = X2 - X1 और SP2 = Y2 - Y1। तो P1 P2 होल स्क्वायर = SP1 होल स्क्वायर + SP2 होल स्क्वायर। यहाँ पर P1 P2 हो गया कर्ण स्क्वायर इक्वल टू SP1 हो गया आपका आधार स्क्वायर प्लस SP2 होल स्क्वायर। ये सारा वैल्यू पुट करने से, कोऑर्डिनेट पुट करने से P1 P2 = √X2 - X1 होल स्क्वायर + Y2 - Y1 होल स्क्वायर। दोस्तों, इसको ही बोला जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि P1 और P2 का बीच में दूरी। तो दोस्तों, P1 और P2 का बीच में जो दूरी आता है उसको D से भी सूचित किया जा सकता है, इक्वल टू √X2 - X1 होल स्क्वायर + Y2 - Y1 होल स्क्वायर, जहाँ पर X2 Y2 और X1 Y1 ये सब दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। दोस्तों, अभी आता हूँ कुछ बेसिक नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट अबाउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दोस्तों पद्धति में। ऐसे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत सारे हैं दोस्तों, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, मतलब सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और बहुत सारे तरीके का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये सब हायर लेवल का। लेकिन कार्टेशियन स्थानांक प्रणाली जो है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये प्राइमरी लेवल का कैलकुलेशन है। इसके बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ, जो दोस्तों यहाँ पर पहले ही मैं बता दिया हूँ। यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट क्या होता है, एक्स और वाई होता है, मतलब पहले एक्स एक्सिस का उसके बाद वाई एक्सिस का। दोस्तों, यहाँ पर टू एक्सिस होता है, एक होता है एक्स एक्स डैश और एक होता है वाई वाई डैश। ये टू एक्सिस खुद से खुद में यहाँ पर परपेंडिकुलर है यानी कि लंब है। जो बीच में दोस्तों इंटरसेक्ट पॉइंट है उसको ओरिजिन बोला जाता है ओ। इसका जो ये होता है
कोऑर्डिनेट होता है ये 0 0 होता है, मतलब एक्स का वैल्यू भी यहाँ पर 0 है, वाई का वैल्यू भी 0 है। इस तरह दोस्तों चार यहाँ पर डिवीजन हो जाता है, मतलब चार हिस्सा में बांट जाता है। तो यहाँ पर पहला हिस्सा को फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा हिस्सा को सेकंड, उसके बाद तीसरा क्वाड्रेंट को थर्ड क्वाड्रेंट, उसके बाद चौथा को फोर्थ क्वाड्रेंट। दोस्तों घड़ी का सुइया जिस तरह घूमता है उसका उल्टा डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये लिखा जाता है। दोस्तों एक्स एक्सिस यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू एक्स और वाई दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का नेगेटिव वाई का पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में तीन दोनों का नेगेटिव नेगेटिव होता है, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। दोस्तों कोई सा भी एक पॉइंट जैसे यहाँ पर पी है उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई, मतलब एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में उसका कोऑर्डिनेट एक्स है, मतलब एक्स यूनिट गया है, और वाई एक्सिस का डायरेक्शन में ये वाई यूनिट गया है। जैसे सपोज यहाँ पर दोस्तों दो लाइन आप देख सकते हैं जिसका दूरी है एक्स एक्सिस से दूरी है ए और एक्स एक्सिस का पैरेलल है, यानी कि दोस्तों एक्स एक्सिस का समांतर अगर ए दूरी पर कोई लाइन रहता है तो उसका इक्वेशन होता है, एक होता है वाई इक्वल टू प्लस से और दूसरा होता है वाई इक्वल टू माइनस से, जो कि दोस्तों एक्स का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकता है प्लस या माइनस, लेकिन वाई का वैल्यू यहाँ पर फिक्स्ड है, या तो ऊपर में जाएगा तो प्लस है और अगर नीचे में जाएगा तो माइनस है। इसीलिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ए इक्वल टू वाई इक्वल टू प्लस माइनस है। सेम उसी तरह दोस्तों कोई सा भी एक लाइन अगर बोला गया है कि वाई एक्सिस का पैरेलल है, यानी कि वाई एक्सिस का समांतर है और वाई एक्सिस से ए दूरी पर है, तो इस तरह लाइन का जो दूरी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये राइट साइड में जो है दोस्तों ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस है और लेफ्ट साइड में जो लाइन है ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस है, क्योंकि दोस्तों एक्स एक्सिस का राइट साइड में जाता है तो वैल्यू पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में जाता है तो नेगेटिव होता है, और वाई एक्सिस का अप साइड में मतलब ऊपर साइड में जाता है तो पॉजिटिव होता है और डाउन साइड में यानी कि नीचे की ओर जाता है तो माइनस होता है। तो दोस्तों सो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ए इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू प्लस माइनस है, यानी कि एक्स का वैल्यू या तो प्लस है या तो माइनस है। तो दोस्तों जब एक्स एक्सिस का समांतराल होता है यानी पैरेलल होता है तो उस टाइम में वाई इक्वल टू होता है, और जब वाई एक्सिस का समांतर यानी पैरेलल होता है तो एक्स इक्वल टू होता है, ये ध्यान में दीजिएगा जितना दूरी पर है। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं पहले बता दिया हूँ ये एक्स एक्सिस का वैल्यू अगर राइट साइड में जाता है दाएं ओर में जाता है तो पॉजिटिव होता है, एक्स का वैल्यू अगर लेफ्ट साइड में जाता है ओरिजिन से तो ये वाई एक्सिस से अगर लेफ्ट साइड में जाता है तो ये नेगेटिव हो जाता है। सेम वाई एक्सिस का वैल्यू अगर एक्स एक्सिस का ऊपर में जाता है मतलब ओरिजिन का ऊपर में जाता है तो पॉजिटिव होता है और नीचे में जाता है तो नेगेटिव होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव होता है। तो दोस्तों इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल टू जीरो और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू जीरो होता है और एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू जीरो होता है, इसलिए वाई एक्सिस का इक्वेशन है एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स एक्सिस का इक्वेशन है वाई इक्वल टू जीरो। अभी दोस्तों ये जो फॉर्मूला निकाला था उसी फॉर्मूला का प्रैक्टिकल यूज़ करके आप लोग को बता देता हूँ। सपोज आपको बोला गया कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 5 8 और 12 20, यानी कि ये दो पॉइंट दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये दो पॉइंट P1 और P2 है, जो भी है दोस्तों ए बी पॉइंट भी हो सकता है, ये दोनों पॉइंट का यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों X1 और ये Y1 है, मतलब पहला पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गया X1 Y1 और दूसरा पॉइंट का जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा X2 Y2, यानी कि P1 X1 Y1 और P2 X2 Y2। यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लोग का फॉर्मूला था D=√X2 − X1² + Y2 − Y1² यहाँ पर सारा वैल्यू पुट कर दीजिए 12 − 5² + 20 − 12² क्या हो जाएगा 12 से 5 − 7² + 8² = 49 + 64 = √113। अभी दोस्तों 113 का वर्गमूल निकालना है जो वैल्यू है यहाँ पर आ जाएगा, तो 113 का वर्गमूल निकालने के लिए राइट साइड से दोस्तों डबल डबल करके पार्ट कर दिया तो लास्ट पार्ट में 1 बचा तो 1 1 जा 1, फिर ये 13 एक साथ उतर दिया, फिर ऊपर में जो है उसका डबल बेटा दिया 2, अभी यहाँ से 0 बेटाने से 0 20 जा 0 होता है फिर 13, तो ऊपर में डेसिमल पॉइंट बेटाने से नीचे में 2 0 एक साथ बेटा दिया, यहाँ से 6 बेटाने से 6 3 जा 36 और 6 2 जा 12, मतलब लगभग 10.6 इसका आंसर आ जाता है। अब दोस्तों अगर डायग्राम ड्रॉ करके अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। सपोज एक्स डायरेक्शन में इधर 5 यूनिट गया है और वाई डायरेक्शन में ये 8 यूनिट गया है पहला पॉइंट, तो ये हो गया 5 8 P1, और दूसरा पॉइंट जो है सपोज एक्स डायरेक्शन में इधर 12 गया है और ऊपर में 20 गया है तो ये P1 P2 हो गया। अभी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो ये ट्राइंगल बनाए त्रिभुज समकोणी त्रिभुज बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ये एक लाइन हो जाएगा 12 − 5 और एक हो जाएगा 20 − 12। तो दोस्तों इस तरह उस फॉर्मूला का प्रैक्टिकल यूज़ हो सकता है
ये अच्छा से आप ध्यान देके देख लीजिए। अभी आता हूँ दोस्तों एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। मित्रों एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का तो ऐसे फॉर्मूला है जैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम का हिसाब से आ रहा है, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं आएगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट यानी कि स्थान का अंक देख के, यानी कि स्थान का डिजिट देख के, प्लेस का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो देख के आपको बताना पड़ेगा कि कोई एक त्रिभुज का काली या क्षेत्रफल कितना होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्वाड्रेंट में मान लेते हैं कि ए बी सी तीन पॉइंट है जो कि वर्टेक्स है, मतलब कोई सा भी एक त्रिभुज का कौनिक बिंदु है, और इस सबका कोऑर्डिनेट है ए एक्स वन वाई वन बी एक्स टू वाई टू और सी एक्स थ्री वाई थ्री। तो दोस्तों यहाँ पर सारा दूरी डायग्राम से आप अच्छा से देख सकते हैं। दोस्तों डायग्राम को मैं बराबर ड्रॉ किया हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो जाए। देखिए दोस्तों क्या क्या दूरी कहाँ से क्या दूरी क्या हो रहा है कोऑर्डिनेट का हिसाब से, मैं यहाँ पर पूरा आप लोगों को डिटेल्स दिखा दिया हूँ। कोऑर्डिनेट से आपको पता चलेगा कहाँ से कहाँ का दूरी कितना तक है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर नाम दे देते हैं ये सब पॉइंट का, हर एक एक वर्टेक्स से यहाँ पर ओ एक्स मतलब एक्स एक्सिस पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर उसी तरह हर एक एक वर्टेक्स से वाई एक्सिस में भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यानी लंब ड्रॉ किया। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर तीन पैरालोग्राम बन गया, ट्रेपिजियम बन गया, यहाँ पर तीन ट्रेपिजियम बन गया, पहला एक नंबर ट्रेपिजियम, फिर दो नंबर ट्रेपिजियम, फिर तीन नंबर ट्रेपिजियम। तो एक नंबर ट्रेपिजियम हो लेफ्ट वाला, दो नंबर जो है राइट वाला, और तीन नंबर जो है दोस्तों ये नीचे वाला ट्रेपिजियम, मतलब यहाँ पर थ्री ट्रेपिजियम बन गया। तो दोस्तों इस त्रिभुज का काली यानी कि एरिया क्षेत्रफल कितना होगा, पहला दोनों का मतलब फर्स्ट ट्रेपिजियम और सेकंड ट्रेपिजियम ये दोनों जुड़ के, उसके बाद अगर थर्ड ट्रेपिजियम का काली अगर माइनस कर दिया जाए तो ये त्रिभुज का काली यानी क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दूरी देखिए क्या क्या हो रहा है, पी क्यू इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स टू। दोस्तों भाई डायरेक्ट डायग्राम से आप अच्छा से देख लीजिए सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो पी आर इक्वल टू एक्स थ्री माइनस एक्स टू, क्यू आर इक्वल टू एक्स थ्री माइनस एक्स वन। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो त्रिभुज ए बी सी बना है, मतलब जो त्रिभुज का एरिया यानी क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है, उस त्रिभुज का काली यहाँ पर दोस्तों क्लियरली देख सकते हैं। अच्छा से ध्यान देके देखिए यहाँ पर तीन ट्रेपिजियम है, पहला और दूसरा ट्रेपिजियम का काली यानी क्षेत्रफल को जोड़ के अगर तीसरा ट्रेपिजियम का काली या क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं तो ये त्रिभुज का काली निकल जाता है। यानी कि ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी पी क्यू प्लस ए क्यू आर सी माइनस बी पी आर सी, मतलब ये सब दोस्तों तीनों ट्रेपिजियम का नाम दे दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो दोस्तों ट्रेपिजियम का काली का फॉर्मूला होता है, मतलब क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ट्रेपिजियम का जो एरिया है इक्वल टू हाफ इंटू टू पैरेलल साइड्स का समेशन इंटू ये दोनों पैरेलल साइड का बीच में जो दूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पैरेलल साइड क्या क्या है, मतलब एक्स एक्सिस पे जितना परपेंडिकुलर खिंचाऊँ सब पैरेलल दूरी हो गया, इसलिए ये सब पैरेलल दूरी है, और ये सब का बीच में जो दूरी है ये हो गया दोस्तों पी क्यू, फिर दूसरे का हो जाएगा क्यू आर और तीसरे का हो जाएगा पी आर। दोस्तों ये अच्छा से ध्यान देखिए देखिए कि ये ट्रेपिजियम जो है ट्रेपिजियम का काली किस तरह होता है। ट्रेपिजियम का काली का फॉर्मूला है हाफ इंटू दो साइड जो सब पैरेलल है वो दोनों साइड का समेशन यानी कि जोड़ना है प्लस करना है इंटू में गुना करके उस दोनों साइड का बीच में जो परपेंडिकुलर दूरी है लंब दूरत्व जिसको बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए हाफ कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है सारा कोऑर्डिनेट फिगर से देख के डायग्राम देख के आप सारा कोऑर्डिनेट बिठा दीजिए। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी खाली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू हाफ कॉमन ले लीजिए, तो हाफ इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू वाई वन प्लस वाई टू प्लस एक्स थ्री माइनस एक्स वन इंटू वाई वन प्लस वाई थ्री माइनस एक्स थ्री माइनस एक्स टू इंटू वाई टू प्लस वाई थ्री। अभी दोस्तों ये सब सारा कैलकुलेशन पूरा अच्छा से कीजिए, मतलब यहाँ पर जितना मल्टीप्लिकेशन है जितना गुना है हर एक एक टर्म को अच्छा से आप फैक्टराइजेशन कीजिए, सिंप्लीफिकेशन करते रहिए, सिंप्लीफिकेशन करके उसके बाद कैलकुलेशन करके यहाँ पर जो जो टर्म सेम टू सेम है और साइन जो है चेंज है, मतलब एक अगर प्लस है दूसरा अगर माइनस है तो ये कैंसिल, जैसे एक्स वन वाई वन इधर प्लस है तो उधर एक्स वन वाई वन माइनस है तो ये कैंसिल हो गया, फिर एक्स टू वाई टू इधर माइनस है उधर प्लस है तो ये भी कैंसिल हो गया, एक्स थ्री वाई थ्री इधर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव एक्स थ्री वाई थ्री है तीनों टर्म कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पर सिक्स टर्म जो है दोस्तों कैंसिल हो गया। अभी बाकी टर्म बचा है ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू एक्स वन वाई वन माइनस एक्स टू वाई वन प्लस एक्स
टू वाई थ्री माइनस एक्स थ्री वाई टू प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस एक्स वन वाई थ्री। दोस्तों यहाँ से आप x कॉमन वाला जो सब टर्म है वो कॉमन लीजिए, x1 कॉमन ले लीजिए तो निकल जाएगा y2 टू माइनस वाई थ्री, फिर x2 टू कॉमन लेने से y3 थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 थ्री कॉमन लेने से y माइनस वाई वन माइनस वाई टू। यानी कि दोस्तों अगर x1 लिया तो y का 2 और 3 होगा, अगर x2 लिया तो y का 3 और 1 होगा, और x3 लिया तो y का 1 और 2 होगा। देखिए दोस्तों ये सब x1 x2 x3 x1 फिर y1 y2 y3 और y1 इस तरह लिख के जिस तरह हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते हैं इस तरह उसी वैल्यू को इस तरह बैठा जाता है। नीचे की ओर जाने का टाइम में पॉजिटिव होता है और ऊपर की ओर जाने का टाइम में ये नेगेटिव होता है। यानी कि दोस्तों जितना भी कोऑर्डिनेट है x1 x2 x3 बैठाए, फिर x1 को बैठाए, फिर y1 y2 y3 और फिर y1 को बैठाए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पद्धति में हम लोग जिस तरह गुणा करते थे क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करते थे गुणा करते थे सेम उसी तरह यहाँ पे भी गुणा करना है। नीचे की ओर जाने का टाइम में दोस्तों पॉजिटिव होता है लेकिन ऊपर की ओर जाने का टाइम में नेगेटिव होता है। अभी दोस्तों ये फॉर्मूला बिना रट के बिना याद करके किस तरह होता है मैं आप लोग को इस सिस्टम बता देता हूँ। सपोज आपको बोला गया कि प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। जैसे सपोज आपको बोला गया कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर, दोस्तों यहाँ पे मैं पूरा ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। सिर्फ वर्टेक्स यानी कि कोनिक बिंदु दिया हुआ रहेगा, कोनिक पॉइंट जो सब होता है वो सब दिया हुआ रहेगा, जैसे तीन पॉइंट दिया हुआ रहेगा, तीन पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। मतलब यहाँ पर जैसे देख सकते हैं एक है सिक्स और टेन, फिर दूसरा है ट्वेल्व और ट्वेंटी सिक्स, और एक तीसरा है फोर्टीन और ट्वेंटी। मतलब ए बी सी तीन पॉइंट का यहाँ पर दिया हुआ है, तो मान लेते हैं ए का एक्स वन वाई वन, बी का एक्स टू वाई टू और सी का एक्स थ्री वाई थ्री। मतलब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बैठाया, फिर एक्स वन बैठाया, मतलब ट्वेल्व, फिर सिक्स, फिर 14, फिर से 12 बैठाया, और y1, y2, y3 नीचे बैठाया, फिर y1 बैठाया, मतलब 26, 10, 20 और 26। अभी दोस्तों गुना कीजिए, ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू 12 इंटू 10, मतलब नीचे की ओर जाएगा इसलिए ये पॉजिटिव, फिर 26 इंटू 6 जो है ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए माइनस 26 इंटू 6, फिर 6 इंटू 20 मतलब 6 इंटू 20 ये पॉजिटिव होगा क्योंकि नीचे की ओर जा रहा है, फिर माइनस 10 इंटू 14 ये माइनस होगा क्योंकि ऊपर में जा रहा है, फिर 14 इंटू 26 ये पॉजिटिव होगा क्योंकि नीचे की ओर जा रहा है, फिर 20 इंटू 12 ये नेगेटिव होगा क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जितना मल्टीप्लिकेशन है सारा कर दीजिए, जो पॉजिटिव टर्म है वो पॉजिटिव रहेगा और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव रहेगा। यानी कि नीचे की तरफ जो सब गुना करके गया हूँ तीन मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नीचे की तरफ गया है इसलिए पॉजिटिव है, और तीन मल्टीप्लिकेशन ऊपर की तरफ गया है इसलिए ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 × 68 आ रहा है इसलिए ये 34 स्क्वायर यूनिट हो गया। आइए दोस्तों अभी आप लोगों को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करके ट्राइगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति में किस तरह काम किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को ट्राइगोनोमेट्री समझने में भी थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। जहाँ पर दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट में सपोज एक ये ट्राइंगल है, मतलब एक एंगल है थीटा, और यहाँ पर एक पॉइंट है मतलब पी एक्स वाई, जो कि दोस्तों ओरिजिन पे मतलब ओ पे थीटा एंगल क्या है तो उसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, इसलिए एक्स डायरेक्शन में इसका यूनिट है एक्स, और वाई डायरेक्शन में है वाई, मतलब वाई एक्सिस में वाई, और इसका मान लेते हैं रेडियस जो दूरी है ये आर है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू वाई बाई आर क्योंकि लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर क्योंकि आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स यानी कि लंब बटे आधार। अभी दोस्तों 90 माइनस थीटा एंगल के लिए क्या होता है, ये तो थीटा एंगल के लिए मैं दिखाया हूँ। अभी 90 माइनस थीटा देखिए दोस्तों यहाँ पर तो थीटा एंगल से हम लोग ये ओपी ड्रॉ किया हूँ, अभी ये दूसरा जो ऊपर में जो कोण बचा है ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब उस 90 माइनस थीटा एंगल का हिसाब से उस 90 माइनस थीटा एंगल का रेफरेंस लेके आप देखिए क्या हो रहा है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, साइन 90 माइनस थीटा जब एंगल लूँगा तो ये साइन होगा तो ये लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया एक्स इसलिए एक्स बाई आर, लेकिन एक्स बाई आर जो है दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैं दिखाऊँ कि एक्स बाई आर इक्वल टू कॉस थीटा होता है इसलिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। सेम उसी तरह यहाँ पर दोस्तों 90 माइनस थीटा एंगल जब रेफरेंस होगा तो उसका कॉस हो जाएगा वाई बाई आर क्योंकि तब वाई हो जाएगा उसका आधार यानी कि बेस इसलिए, और लेकिन वाई बाई आर इक्वल टू दोस्तों साइन थीटा हो रहा है लेफ्ट साइड में ऊपर में देखिए इसलिए साइन थीटा हो गया। फिर 10 90 माइनस थीटा यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एक्स बाई वाई क्योंकि एक्स हो जाएगा लंब और ये वाई हो जाएगा आधार, लेकिन ये लेफ्ट साइड में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 10 थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स है, और इसका उल्टा करने से यानी रेसिप्रोकल करने से कॉट थीटा होगा यानी कि एक्स बाई वाई, तो इसीलिए ये 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हो गया। दोस्तों ये भी प्रूफ हो गया क्योंकि यहाँ पर एक्स बाई वाई इक्वल टू कॉट थीटा है। तो कैसा लगा मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो से पूरा समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम का बारे में पूरा
डिटेल्स आप लोग को पूरा मालूम हो गया होगा। इस तरह मैथमेटिक्स का और भी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।